मैं गला बना रही हूँ राउंड वाली कॉलर के साथ, वी गले के साथ। वी गला नीचे होगा और राउंड वाली कॉलर ऊपर होगी। तो मैं एक पीस पे, छोटे पीस पे आपको बता रही हूँ गला किस तरह से बनेगा। सबसे पहले जो आपके शर्ट का पीस होगा वो समझिए, आपका ये पीस है शर्ट का, शर्ट आपकी कटिंग हुई हुई है। मैं सिर्फ जस्ट गला बना रही हूँ इसके ऊपर। पहले आप डायरेक्ट शर्ट पे गला कट कर लेंगे 2.5 इंच चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में। ये डायरेक्ट आप शर्ट पे कट कर लेंगे। इस तरह से डायरेक्ट आपने शर्ट पे कट करने के बाद बुकरम लेंगे। इस गले के नीचे वाला हिस्सा जो बनाएंगे उसको हम ड्रॉ करेंगे। एक इंच चौड़ाई में तकरीबन मैं इसको 1.5 इंच चौड़ाई में ले रही हूँ। अंदर वाले जो इसके अंदर पट्टियाँ लगेंगी, लेंथ इसकी मैं 6 इंच पर ले रही हूँ। खुलकर ये 1 इंच दिखना चाहिए नीचे से, तो मैं यहाँ से 1/2 इंच ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से ड्रॉ किया, तो बाहर वाले सभी ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से ये मैं बैक पर भी ड्रॉ कर लूंगी। दोनों तरफ ड्रॉ करने का मकसद ये है कि जब इसके अंदर जो पट्टी लगेगी वो पट्टी मैंने इसी के अंदर ड्रॉ कर लूंगी, फिर वो उसी निशानों से मैं दूसरे बुकरम पे इसको ड्रॉ कर लूंगी। 1 इंच की पट्टी हमें अंदर देनी है। पट्टी लगकर कुछ इस तरह से दिखेगी, यहाँ से ये पट्टी इस तरह आएगी। अब पहले मैं गला कट कर लेती हूँ। जी बटन पट्टी की तरह दिखेगी। इंच नाप लेंगे कितने इंच की पट्टी है। 6 इंच पर पट्टी आ रही है, मैं अंदर स्लाइड में जाएगा तो 7 इंच की पट्टी लेंगे। ये दो पट्टियाँ वो जो इसके अंदर लगेंगे, यहाँ से और यहाँ से। ये पट्टियाँ दो कलर में होंगी, एक ये सेम शर्ट की होगी और ये प्रिंट वाली होगी। अब देखिए ये जो गला मैंने कटिंग किया था, ये गला चिपका दिया है, प्रेस कर दिया है इसके ऊपर। और ये जो पट्टियाँ जो बनाई थी, पट्टियाँ भी इस तरह से प्रेस कर दी है, इस तरह से। अब इस गले को कटिंग करके इसको मोड़ कर टांका लगाना है, वो मैं टांका लगा कर अभी आपको दिखाती हूँ। अब देखें ये गला जो है इस तरह से मोड़ दिया है। अब ये जो हमारी शर्ट थी इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से सादा गला पिनअप करते हैं, इस तरह से इसको पिनअप कर देंगे।
से अब ये बिल्कुल बुकरम के साथ साथ टांका लगा देंगे। फिर इसको टांका लगा के कटिंग करके इसको बैक साइड ले जाएंगे। ये टांका लगा के मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये टांका लगा दिया है बुकरम के साथ साथ। अब इसमें इसको कटिंग करेंगे आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए। कोनों पे कट लगा देंगे सिलाई के बिल्कुल करीब। अब इसको से पलट के बैक साइड पर दिखाएंगे। इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसका शोल्डर जोड़ देंगे। इसको प्रेस करने के बाद और शोल्डर जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कॉलर के साथ नापते हैं। अब देखिए इसका मैंने ये बड़ा टांका लगाकर तो बिठा दिया है प्रेस करके। अब इसके शोल्डर जोड़ दिए। अब शोल्डर जोड़ने के बाद बैक का गला सिर्फ आधा इंच का कटेगा इसको बराबर करके। ऐसे आधा इंच का बैक का गला करके अब हमने कॉलर नाप करनी है यहाँ से पूरी यहाँ तक। इस टेबल को नॉर्मल रखना है, गले को भी नॉर्मल रखना है। पूरे कॉलर को नाप करेंगे कितने इंच पर आ रही है। कॉलर आ रही है तकरीबन 14.25 इंच। हमें कॉलर कट करते हैं। अब देखिए कॉलर आई थी तकरीबन 14.25 इंच। तो मैं पहले निशान लगा दूँगी 7 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। अब ये कॉलर जो है हमने राउंड में बनानी है यानी ज़्यादा डीप में जाना है। ये मैंने राउंड बनाने के बाद इसके दोबारा इंचेस नाप लेने हैं क्योंकि जब राउंड में आती है तो इंचेस के चेंज हो जाते हैं। अंदर वाली शेप भी दे देंगे। इसकी डीप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने जो की है 2.5 इंच पर की है और कॉलर की चौड़ाई जस्ट 1 इंच की है। कॉलर कट कर दिए। कॉलर को हमने कपड़े पे चिपका देना है। चिपकाने के बाद फिर जिस तरह से लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ इसके अंदर जो पट्टी लगानी थी मैं पट्टी तो पहले बता देती हूँ फिर हम कॉलर लगाते हैं। पट्टी हमें यहाँ से बराबर रखनी है। 1 इंच की जस्ट पट्टी दिखानी है। पिनअप कर देंगे दूसरे साल किसी तरह से पिनअप कर देंगे। पिनअप कर दिया। अब इसके कॉर्नर पे टांका लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर एक बुट पर टांका लगाना चाहें तो एक बुट पर टांका लगा देंगे।
देखें ये जो मैंने पिनअप किया था पट्टी, मैंने ये टांका लगा दिया है इसके ऊपर। अब इसमें कॉलर लगाएंगे। कॉलर में पहले काट चुकी हूँ, अब इस बस कॉलर लगाना बतानी है आपको। ये बुकरम यहाँ से चिपका कर यहाँ से टांका लगाया हुआ है। टांका लगा के अब इसको कटिंग करेंगे आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए, फिर कॉलर लगाएंगे। इस तरह से आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसको कटिंग करेंगे। इस तरह से कॉलर लगेगी, उधर भी हमने आधा इंच का ही कपड़ा छोड़ना है। अब ये जहाँ से राउंड हुई नहीं यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे सिलाई के बिल्कुल करीब। अब इसको सीधा करते हैं। अब इसको अच्छे से प्रेस करके हमने कॉलर उल्टे से सीधे पर लेकर आना है। अभी शर्ट है, हम बैक साइड से इसको कॉलर रखनी है इस तरह से। ये आधा इंच का जो कपड़ा छोड़ा था इस तरह से रखते हैं, ये पूरा कॉलर लगाते हुए पूरा यहाँ तक लगा देंगे। अभी ये कॉलर टांका लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें कॉलर जो मैंने रखी थी उल्टे से रखकर सीधे पर इस तरह आ गए। अब इसका एक टांका इस कॉर्नर से लगेगा, कॉलर का पूरा राउंड में लगते हुए यहाँ से इसके कॉर्नर पर टांका आएगा। ये देखें अब इसका एक बुट का टांका लगा के ये गला कंप्लीट हो गया।